खान, आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज़। आइए रुख करते हैं यूपी की इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बरेली थाना भोजीपुरा के भोड़ा गांव में जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि यहां के लोगों को किस तरह से दिक्कतें हो रही हैं। जब हम गांव में जैसे ही एंट्री की तो हमारी गाड़ी एक गहरे गड्ढे में फंस गई। यहां पर हम सोचने पर मजबूर हो गए कि रोड पर गड्ढा है या गड्ढे में रोड। बड़ी मुश्किल से हमने गाड़ी निकाली तो वहां के गांववासी हमारे पास आए और कहने लगे, ये तो कुछ भी नहीं, यहां पर अक्सर मोटरसाइकिल वाले गड्ढों में गिरते रहते हैं और ये गड्ढा काफी गहरा है। गांव वालों ने बताया कि कुछ समय पहले एक साइकिल पर बच्चे को लेकर जा रहे एक आदमी इसी गड्ढे में बच्चा गिर गया और घायल हो गया। कई दिन अस्पताल में रहने के बाद वह सही हो पाया। इसके बाद ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ के प्रधान जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं कराया है। लोगों का आरोप है कि प्रधान बातों से काम चला रहे हैं। नाली, सड़क और भी ऐसे कई काम हैं जो कहीं अभी तक आपको दिखाई नहीं देंगे। हमने घूमकर देखा तो गांव की हालत बहुत ही खस्ता दिखाई दी। जब हमने इस बात पर ग्राम प्रधान से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि हमने बहुत से काम करे हैं, जबकि गांव वालों के आरोप हैं कि प्रधान ने अपने घर के आसपास सीसी रोड करा रखे हैं, बाकी पूरे गांव में कहीं कुछ काम नहीं कराया है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि हम मुस्लिम हैं, इसीलिए प्रधान ने हमारे एरिया में कोई काम नहीं कराया है। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता खराब है, जो कि हमने आला अधिकारियों को बताया है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। सर, मेरा रईस खान नाम हैगा। सर, अभी मैं जा रहा था मेहमानी में, आपने देखा ही था कैसे करके गिराऊंगा। तो बताइए सर, इतनी परेशानी हो रही है, यहाँ प्रधान सुनने वाला नहीं। प्रधान के घर पे गए, कई बार जा चुके, सब लोगों ने कहा कि जो आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, मगर कोई सुनता ही नहीं है। मीडिया वाले आए, सिर्फ आज तक न्यूज़ वाले भी आए सर, उन्होंने भी जाके शिकायत करी उनके घर पे, मगर उन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया इसका, कुछ नहीं हो रहा है। गांव के लोग इकट्ठा होके गए थे क्या? सर हाँ, गांव के लोग सब लोग इकट्ठे होके जाते हैं, सब लोग कहते हैं उन्हें बुला के लाए, हमने देख लो चल के एक बार तो देख लो कम से कम, कितनी समस्या है यहाँ पर, हम लोग मतलब आते ही नहीं है। वो क्या कहते हैं? बोले वो अभी मुझे टाइम नहीं है, ये है वो है कि कोरोना अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसी में हमें टाल देते, अब से धुन नहीं चल रहा सर, ये तो रोड तो बहुत समय से खराब है। तो कहना मिट्टी तो डलवा ही सकते हैं, सर वही डलवा दो, कुछ चंदा हम करके दे देते हैं अपने पास से और कुछ आप डाल दो, तब भी उन्होंने नहीं सुना। हमने कहा आधे पैसे हम करते ना, आधे आप कर दो, कम से कम कुछ तो लाभ हो जाए हमें। हम बताओ इतनी परेशानी से रोज यहाँ से निकल रहे हैं, बैठ रहे हैं। हाँ, एक लड़का, छोटा सा लड़का, जब बाहर से ऑटो से आ रहा था उसमें से गिर गया बच्चा, उसके हॉस्पिटल लेके गए, बहुत परेशानी हुई थी वहाँ अगले का रहने वाला बच्चा। हरिशंकर प्रधान नाम है। 2 साल से परेशान है, ये ग्राम बूढ़ा लगता है सर। बिलवा तक 2 किलोमीटर पड़ता है जी, इसे कम से कम 5 साल हो गई, इतनी बुरी स्थिति है। अब बारिश नहीं हुई 10 दिन से, तो थोड़ा सूखा दिख रहा है, नहीं तो पैदल चलना ही बेकार है। हर आदमी परेशान है, और कोई मेहमान आता है गिर जाता है, गाली देते गिर जाता है, बताओ सुनते हैं मोहल्ले वाले क्या करें। इसकी शिकायत नहीं की आपने किसी से? शिकायत बहुत करी, वो प्रधान कहता है मेरे अंडर में नहीं है, तो किससे कहें? आपने ये नहीं पूछा ये किसके अंडर में आता है? वो कहता है मैं गाँव का प्रधान हूँ, मैं गाँव का अंदर अंदर और बाहर सब पूरे रोड पर इतनी कीचड़ है कि शायद आप सूखे में खड़े हो, अगर बरसात होती तो आप इन पर जरा पानी पानी होता है इन पर। जो समस्या है जो बताओ, मेहमान आते हैं और मोटरसाइकिल लेकर आते हैं तो गिरते उठते संते पुत्ते चले आते हैं, और इतनी परेशानी हो रही आएगी कि जिसका कहना ठीक नहीं है जी। और गांव में दिखाओ नहीं इतनी सुविधा, इस गांव में सुविधा क्यों नहीं है? क्या समस्या है गांव में? जगह में जो समस्या है कि यहाँ मुसलमान रह रहे हैं, वहाँ हिंदू के उसमें देखा और मुसलमान के उसमें देखा। मैंने देखा अभी, वो एक मोटरसाइकिल वाले आ रहे थे, बेचारे गिर रहे थे, मुश्किल से उठे, बड़ा मुश्किल, बहुत गहरा गड्ढा है। इसके बारे में आपने शिकायत नहीं की मेंबर से या प्रधान से? प्रधान से कहा तो प्रधान ये कहते हैं कि मैं क्या करूं, कि आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, आपने यहाँ से वोट लिया है तो आप नहीं कहेंगे तो और कौन करेगा? आपने कहा नहीं इनसे? मेरी क्या इसमें वो है? क्या नाम है आपका? नाम हरिशंकर साहू। प्रधान जी, गांव वालों का आरोप है कि प्रधान जी ने गांव में कोई काम नहीं कराया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखिए कि गांव के अंदर विकास को मैंने काफ़ी कराया है, काफ़ी हद तक सीसी, स्कूल, रोड, काफ़ी काम कराया है, काफ़ी विकास कराया है। लेकिन आप जानते हैं कि हर किसी के मन का तो पूरा नहीं कर सकते। फिलहाल विकास तो मेरा देख करके ही सारे अधिकारी का सभी लोग खुश हैं,
अच्छा, गांव वालों का आरोप है प्रधान जी ने अपने क्षेत्र में सीसी रोड करा रखे हैं, कुछ एरिया ऐसे भी हैं उनका आरोप है कि मुस्लिम क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बताता हूँ, मुस्लिम क्षेत्र में हमारे यहाँ नई मस्जिद है, मैंने वहाँ भी पूरी सीसी कराई है, और हमारे यहाँ क्या नाम है जो अंसारी बस्ती है उसमें पूरी सीसी कराई है, जहाँ वाल्मीकि बस्ती है उसमें पूरी सीसी कराई है, कुछ हमारे खान साहब लोग हैं उनके क्षेत्र में भी सीसी कराई है, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं। अच्छा, अभी हम ये जो गांव का मेन रोड है यहाँ से निकल के आए, यहाँ पे मैंने देखा कई लोग गाड़ियों से गिर जाते हैं और काफ़ी गहरा गड्ढा है, इसके बारे में क्या सोचा है आपने? हाँ, मैं इसके बारे में क्या कहते हैं कि मार्च में मैंने आला अधिकारियों के लिए, डीएम साहब के लिए, मंडल आयोग और अपने मुख्य विकास अधिकारी और दिव्यांग स्कूल के लिए, सभी के लिए मैं रजिस्ट्री कर चुका हूँ इसके बारे में जी। और कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये मेरी जो खबर इस तरह से फैला दीजिए, बता दीजिए कि आला अधिकारियों को कि जो मेन रोड है हाईवे से बिलवा क्रॉसिंग तक बहुत ही खस्ता है, बहुत ही बेहाल हो रहा है, वो मेरे ग्राम पंचायत से बाहर आ रही है, कृपा करके इसे बनवाने की कृपा करें। कैमरे पर तो बोलने से मना किया, मगर प्रधान ने भी माना कि जनता के बहुत से काम ऐसे हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है, कई काम ऐसे हैं जो जनता के नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि जनता परेशान है और जनता का काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो आने वाले चुनाव में जनता हमें नकार दे।